हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था एससी वर्मा से फोर्स एंड एक्सेलरेशन, जिसमें हमने बातें की थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैंने दो वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, जहाँ पर प्रेशर से बात शुरू होती है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक फोर्स है कितना न्यूटन का? 12 न्यूटन का, और इसमें जो एरिया गिवन है वो कितना गिवन है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। तो पहले हम इसको किस में निकाल लें? सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। जिसको न समझ आए ये आराम से समझ सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है बोलिए? 1/100 मीटर गुना 1/100 मीटर। जो भूल जाओ उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, ऐसे कर सकते हैं आप, 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12/1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.012 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है कितना? 12। ये बस सिंबल है, पी से मोमेंटम भी हम लोग लिखते हैं, हमारी मर्जी है। हमने अभी क्या लिखा वो इम्पॉर्टेंट है। 12/1000, दैट इज़ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल, कैपिटल पी स्मॉल ए। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर है 1000 पास्कल। बिल्कुल सही आंसर है, उतार लीजिए। डन। चलिए 1 2 3, अगर नहीं उतार पाए तो आप क्या करें, पॉज करके उतार लें। आसान क्वेश्चन था, यूनिट्स का थोड़ा ख्याल रखना था। 22, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22, फोर्स कितना लगेगा और एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 10^4 ऊपर जाएगा तो -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। प्रेशर कितना है? प्रेशर है आपका 12 पास्कल। तो फोर्स मांगा है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। कितना गिवन है? 12, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू 12 इंटू एरिया। एरिया कितना है? इतना ना करके डायरेक्टली लिखना है, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। इतना तो आप समझ ही पा रहे हैं ना, फोर्स का फार्मूला क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर फोर्स ओवर एरिया होता है। प्रेशर कितना? 12। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंटू एरिया कितना है? 10^-4 मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 12 × 10^-4 न्यूटन। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? 1.2 लिखते हैं। अगर 1.2 लिखेंगे 10 पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 10^-4 न्यूटन, यहाँ +1 हो गया, तो 1 - 4 कितना होगा? -3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि इसको हम 10^ इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है 1 और 10 के बीच में होता है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट। वैसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, उतार लीजिए। 22 हो गया, चलते हैं आगे। डन। 23 में आइए, ये प्रेशर की बात हो गई। 23 की, ब्लॉक वेइंग 1 किलोग्राम। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 1 किलोग्राम। इज इन द शेप ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्यूब है जिसका साइड कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10/1000 मीटर। 1/100 होगा, 1/10 क्या हो जाएगा? मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब, 1/10 × 1/10 × 1/10, 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। इट इज़ कैप्ड ऑन अ हॉराइजॉन्टल टेबल, फाइंड द प्रेशर ऑन द पोर्शन ऑफ द टेबल वेयर द ब्लॉक इज कैप्ड। वॉल्यूम निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो प्रेशर निकालना था, तो ये क्यूब के शेप में है, बस एरिया निकालना है। तो क्यूब के शेप में होगा तो कोई भी अगर हम एरिया लें तो उसका जो एरिया होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा? साइड इंटू साइड एक स्क्वायर होगा, 1/10 × 1/10, दैट इज़ 1/100 मीटर स्क्वायर। बोला प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है? प्रेशर। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स कौन सा फोर्स होगा? जो अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है वही फोर्स से क्या करेगा? वो टेबल को फोर्स लगाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन या ड्यू टू ग्रेविटी होगी। मास कितना है? 1, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, दैट इज़ 9.8 न्यूटन।
तो प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है कितना 9.8 न्यूटन और एरिया है 1/100 मीटर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 9.8 इंटू 100 दैट इज 980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं पास्कल। उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, सही है बिल्कुल उतार लें, डन, बहुत ही आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्या कह रहा है 24, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब, 24 वॉल्यूम कितना है 20, वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, पहले इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, 0 0 कैंसिल, दैट इज 5 इंटू 10 पे पावर 2 2 4 1 5 माइनस 5 मीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ बॉयंसी। देखिए बोला है कि एक बॉडी है जो कम्प्लीटली इमर्ज हो गया है, तो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है ये सिंपल सा आपको याद रखना है कि फोर्स ऑफ बॉयंसी जो होगा उसमें हम लोग क्या लेंगे, तो फोर्स जो होगा हमारा वो होगा मास ऑफ द लिक्विड्स डिस्प्लेस्ड, याद रखना है फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ होगा मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एलडी का मतलब मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही आपको याद रखना है। तो मास कितना डिस्प्लेस होगा, किसका, लिक्विड का, जितना वॉल्यूम यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, तो वो जो एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है वो जितना जितनी जगह लेगा उतनी जगह का क्या वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, वहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड है आपका वाटर, और बॉडी ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर है ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को आप अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1 ग्राम में कितना होता है 1/1000 किलोग्राम बटे 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 0 कैंसिल 1 0 कैंसिल, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये मैंने कई बार बता दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी किसकी लेनी है, जिस लिक्विड में हमने इंसर्ट किया, और वॉल्यूम कितना होगा जितना डिस्प्लेस हुआ, तो क्या हो जाएगा मास का फार्मूला क्या होता है, मास का फार्मूला, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कौन सा लेंगे, डेंसिटी उस लिक्विड का लेंगे जिसमें इंसर्ट करेंगे, उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम कितना है ये लेंगे 5 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब, ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³, और यहाँ 5 है 3 में 5 गया -2, 5 × 10⁻², ये क्या होगा किलोग्राम, तो इतना मास डिस्प्लेस होगा लिक्विड का, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो गया हमारा 5 × 10⁻², और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, 8 × 5 = 40 × 4 × 9 = 49, 491 यहाँ आ जाएगा 10⁻², तो 100 से डिवाइड हो जाएगा ये आएगा 0.49 न्यूटन, तो आंसर क्या होगा 0.49 न्यूटन, बिल्कुल सही है। मैं फिर कह रहा हूँ आप यहाँ से आराम से देखें, मैं बता रहा हूँ आपको क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, बताइए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बॉडी ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब इज़ कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर, जो 50 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया वो क्या है, एक बॉडी है जो वाटर में कम्प्लीटली डिस्प्लेस हो गया, कम्प्लीटली इमर्ज हो गया, तो बोला है कि उसमें फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर की तरफ कितना लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी जो होता है वो क्या होता है मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, जितना वॉल्यूम वहाँ पे इंसर्ट हुआ होगा इमर्ज हुआ होगा वाटर में, और लिक्विड का क्या लेंगे हम लोग डेंसिटी लेंगे, ठीक है, तो लिक्विड का डेंसिटी को अगर वॉल्यूम
से मल्टीप्लाई करता है जितना वॉल्यूम हमने इमर्ज कराया उतना ही तो वहाँ से डिस्प्लेस होगा ना। लेकिन डेंसिटी किसका लेंगे? लिक्विड का लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ जाएगा, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स ऑफ बॉयंसी आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी, इसीलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा समझाने की कोशिश की। उतार लीजिए, डन। और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 25 में आता है, क्या कह रहा है ये? अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/100 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। किसका? ये बात हो रही है एक स्फीयर की, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला मैंने क्या लगा, देख सकते हैं पाई का वैल्यू 3.14 और ये 2/100 × 2/100 × 2/100। इसको सॉल्व करें अगर, तो ये निकल के हमारा आता है, अगर मैंने यहाँ पे किया है तो ये होगा आपका 0.0335 किलोग्राम। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? ये बात हो गई वॉल्यूम की, तो मास का फार्मूला क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी लेंगे? ये हमने स्फीयर किस में डाला? वाटर में। तो वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम, आई एम सॉरी, ये मीटर क्यूब में है, इनटू क्या होगा? 0.0335 मीटर क्यूब। ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 कितना हो जाएगा हमारा? 33.5 किलोग्राम। अब हमको क्या चाहिए? फोर्स ऑफ बॉयंसी चाहिए। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी कैसे निकलेगा? फाइंड द फोर्स ऑफ बॉयंसी। फोर्स का फॉर्मूला, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इतना ही ना होगा, 33.5 × 9.8। तो 33.5 × 9.8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 33598। 4 8 24 8 2 8 24 2 26 9 4 27 4 3 27 3 30 0 8 1 6 7 8। तो कितना हो जाएगा बताइए? 2 से पहले 328 पॉइंट 0 पॉइंट आई एम सॉरी कहीं गलती हो रही है थोड़ा। इसको ठीक से कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कुछ एरर हुआ है, तो यहाँ पे बढ़िया से कर ले पहले, ठीक है। ये हमारा क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा क्या होगा? 4 × 3.14। तो 4 × 3.14 × 2 to the 4 to the 8 × 8। 4 × 3.14 × 8 100.48/3 × 10⁻¹⁰ 2 2 4 2 6 −6 हो जाएगा। 100.48 / 3 ये होगा 33.5 × 10⁻¹⁰ −6 m³। हमको क्या चाहिए? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो इतना वॉल्यूम होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 33.5 × 10⁻¹⁶ m³। तो कैंसिल हो गया, 10⁻³ और यहाँ 6 है, 33.5 × 10⁻¹⁶ −6 33.5 × 10⁻³ ठीक है, इतना मास हो गया। तो फोर्स का फॉर्मूला, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना डिस्प्लेस हुआ? 33.5 × 10⁻³ −3 × 9.8। तो 33.5 × 9.8 328.3 × 10⁻³ N। इसको 1000 से भाग देंगे तो ये होगा 0.3283 N मेरे हिसाब से आया। इसमें आंसर लिखा 0.328, ठीक है, चलेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से हमने मास निकाला, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद तो सॉल्व करना है ईजी। उतारें क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25 आते हैं 26 में। बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से 26 क्या बोल रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड डेंसिटी 8000 किलोग्राम। तो एक बॉडी है जिसका मास है 2 किलोग्राम, एक बॉडी की बात हो रही है, ठीक है,
और उसकी डेंसिटी कितनी है, 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्योंकि उसको हम इंसर्ट कराएंगे किसमें, इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जिस लिक्विड में हम इंसर्ट करा रहे हैं उसकी डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब गिवन है, मतलब यहाँ वाटर में हम इंसर्ट नहीं करा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बटे डेंसिटी। ये बात हो रही है बॉडी की जिसको इंसर्ट कराना है, जिसको इंसर्ट कराना है। तो मास कितना है, 2 किलोग्राम बटे कितना होगा, 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ 1/4000 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ये उसका हुआ, उस बॉडी का, जिस बॉडी को हम उस लिक्विड में इंसर्ट कराएंगे, जिस लिक्विड की डेंसिटी गिवन है कितनी, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना गिवन है, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये बॉडी कम्प्लीटली इमर्ज कराया गया है, जिसकी डेंसिटी गिवन है, जिसकी जिसका वॉल्यूम है 1/4000 मीटर क्यूब। तो मास हो जाएगा, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो निकालना है हमें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी लेंगे, और ये है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये होगा 1/4000 मीटर क्यूब। ये कैंसिल हो गया, 2020 कैंसिल, 1/5 किलोग्राम। तो मास कितना आया, 1/5 किलोग्राम, बहुत अच्छी बात है, मास 1/5 किलोग्राम आ गया। हमको चाहिए फोर्स ऑफ बॉयंसी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो मास लेंगे ना, 1/5, और ये 9.8, 5 × 5 1 × 8 5 × 4 8 तो 5 × 45 5 × 30 तो 1.96 न्यूटन आंसर होगा। आंसर क्या होगा हमारा, 1.96 का 1.96 न्यूटन, उतार लीजिए, डन। चलिए 1, 2, 3 नहीं उतार पाए तो पॉज करके उतार लें। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम फ्लोट्स इन अ लिक्विड, किसमें कह रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो ऊपर रखा हुआ है, तो जितना फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ नीचे की तरफ लगाएगा, उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा। व्हाट इज द बॉयंट फोर्स ऑन द बॉडी, सिंपल सा है, 27 नंबर जो बॉयंट फोर्स होगा वो क्या होगा, एम जी होगा, सिंपल। एम कितना है, 2 किलोग्राम का, और जी का वैल्यू 9.8 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19.6 न्यूटन। ये फोर्स अर्थ भी नीचे की तरफ उतना ही फोर्स का लगा रहा है जितना फोर्स अर्थ नीचे की तरफ उस बॉडी पर लगा रहा है फ्लोट करने के लिए। पानी का सरफेस को भी ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से बॉडी क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा और वो फ्लोट करेगा। तो ये सारी बातें थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, फोर्स एंड एक्सेलरेशन का, जिसमें मैंने 3 वीडियोज़ में सारे के सारे कंप्लीट कर दिया। तब भी आपको कन्फ्यूजन हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप फाइनेंशियली ओके हैं, आपके गार्जियंस, आपके अम्मी अब्बा, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ हमारा एक अकाउंट नंबर गिवन है, वहाँ पे जाके वहाँ पे IFSC और अकाउंट नंबर और डिटेल्स गिवन है, अकाउंट नंबर का मतलब अकाउंट डिटेल्स गिवन है, जहाँ से आप हमको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आपके कंट्रीब्यूशन से ही हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने के लिए आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।